मार्कापुर नाम का एक गांव था। एक दिन देवानंद नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस गांव में बस से नीचे उतरा। वहां जब वे जा रहे थे तो उसे एक कतार में बहुत सारी दुकानें दिखाई दी। मुन्ना मेडिकल हॉल, मुन्ना स्वीट शॉप, मुन्ना बिरयानी हाउस, यूं बहुत सारे दुकानें थी, पर आखिर में एक दुकान एकदम खाली था। वहां पर टूलेट का बोर्ड भी लगा हुआ था। ये देखकर मुन्ना मेडिकल शॉप वाले से, भाई साहब इस दुकान का मालिक कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब वो दुकानदार, सिर्फ वो खाली दुकान की नहीं, इस सारे दुकानों का मालिक एक ही है, हमारे मुन्ना भाई साहब, वो देखो बातों बातों में वो आ गए, कहकर इशारा किया। तभी मुन्ना वहाँ पहुँचा। तब ये मुन्ना से, मुन्ना जी नमस्कार, मेरा नाम किरण है, मैं पड़ोसी गांव से आ रहा हूँ, मैंने कई बिजनेस किए और काफी नुकसान उठाया, इसीलिए वो गांव छोड़कर हम यहाँ आए हैं, वहाँ मेरा किस्मत सेट नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरा ससुराल है, अगर आप ये दुकान मुझे किराए पर देंगे तो मैं यहाँ पर बिजनेस कर लूंगा। मुझे खबर मिली है कि इस गांव में किराया कम और धंधा अच्छा चलता है। तब मुन्ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, आप ले लो किराए पर, लेकिन आप कौन सा धंधा करना चाहते हो? अगर ये बात मुझे पता चल जाए तो मैं फैसला करूंगा कि आपको ये दुकान किराए पर दूं या ना दूं। तब किरण, अरे मेरा धंधा कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर टर्किश स्टाइल में शवरमा बनाकर बेचना चाहता हूँ। भैया नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन मजेदार है, वैसे ये है क्या चीज और तुमने सीखा कहाँ भैया? तब किरण, भाई साहब ऐसा है कि चिकन के एकदम पतले पतले टुकड़े करके उसे एक रॉड के साथ लटका देते हैं और आग की सेक लगा देते हैं, जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसे रोटी के बीच में डालकर लोगों को परोसते हैं। शहर में ये बहुत मशहूर है, मुझे यकीन है कि यहाँ पर ये नया है, मैंने एक दोस्त से ये बनाना सीखा है। मुन्ना, भाई ये तो बहुत बढ़िया है, जरा रुको मैं पास वाले दुकानदार से बात करके आता हूँ, कहकर वो उस दुकान में जाकर दुकानदार से बात करने लगा। फिर आकर, ठीक है भैया तुम वो दुकान किराए पर ले सकते हो, दुकान का किराया महीने के 3,000 रुपए होंगे। किरण ने खुश होकर एडवांस पैसे दे दिए। अगले दिन दुकान के बाहर टर्किश स्टाइल चिकन शवरमा का बोर्ड लगाकर उसने अपना धंधा शुरू किया। लोग काफी मात्रा में आने लगे। किरण अपने ग्राहकों को शवरमा बनाकर फटाफट देने लगा, उसने पैसे भी अच्छे कमाए। उसके धंधे को अच्छा चलता हुआ मुन्ना बड़े ध्यान से देख रहा था। हर महीने किरण के पास आकर मुन्ना दुकान का किराया लेने लगा। यूं कई महीने बीत गए, धंधा अच्छा चलने लगा। एक दिन मुन्ना दुकान के पास आया और किरण से, देखो भैया किरण, अब मैं दुकान का किराया 30,000 कर रहा हूँ, तुम्हें रहना हो तो रहो वरना चलते बनो। किरण, लेकिन ये क्या भाई साहब, अचानक आपने किराया इतना बढ़ा दिया, ये कैसे चलेगा, ये गलत है भाई साहब, मैं इतना किराया नहीं दे सकता। तब मुन्ना, भाई नहीं दे सकते हो तो खाली करो दुकान, मैंने कोई जबरदस्ती तो रोक नहीं रखा तुम्हें। तभी वहाँ पर शवरमा खा रहा एक व्यक्ति किरण से, क्यों भैया किरण, तुम मुन्ना के बारे में नहीं जानते, इसका यही तो धंधा है, वो पहले लोगों को दुकान किराए पर देता है, जब उनका धंधा अच्छा चलने लगे तब वो उनसे खाली कराकर खुद वही धंधा अपने नाम पर शुरू कर देता है। यहाँ तुम जितनी दुकानें देख रहे हो ये सब उसने ऐसे ही तो बनाए हैं, यहाँ पर काम करने वाले सब इसी के आदमी हैं। भाई किरण तुम धोखा खा गए। किरण दंग रह गया। तब मुन्ना, ए बुढ़ाओ तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, शाबाश, तो किरण भैया ये बात है, अब तुम दुकान खाली करो तो मैं अपना चिकन शवरमा का दुकान खोल लूं। यूं बेचारा किरण दुकान खाली करके चला गया। घर लौटकर उसने अपने पत्नी और सास ससुर को ये सब बातें कहकर दुखी होने लगा। तब ससुर, बेटा हम उसके बारे में जानते थे लेकिन ये सोचकर कि तुम दुखी हो जाओगे हमने तुमसे ये सब बातें नहीं कही, पर बेटा दुकान में क्या रखा है, तुम कोई और जगह ढूंढ लो और वहाँ दुकान खोल लो, लोग दुकान देखकर नहीं आते हैं, जो वस्तु तुम बनाकर उन्हें खिलाते हो वो खाने तुम्हारे पास आते हैं लोग। ये बात सुनकर किरण के मन में हौसला जागा, उसने एक ठेले पर बोर्ड लगाया किरण स्टाइल टर्किश चिकन शवरमा और अपना धंधा शुरू किया। उसने अपना ठेला मुन्ना के दुकान के सामने ही रखा, क्योंकि मुन्ना का शवरमा स्वादिष्ट नहीं था, लोग उसे गालियां देने लगे और शवरमा खाने किरण के पास आने लगे। धीरे धीरे किरण का धंधा चलने लगा, पैसे भी अच्छे कमाने लगा। जब मुन्ना का धंधा नहीं चला
तो उसने सिर पीट लिया और दुकान बंद करके फिर से उसने टॉयलेट का बोर्ड लटका दिया।